हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नीलू नीलकमल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। आए हैं अबू धाबी बड़े बेटे के पास। बहुत दिन से बुला रहा था, लेकिन अभी टाइम निकाल के आए हैं। पापा भी आए हैं हमारे साथ, हम दोनों लोग आए हैं और यहाँ आए हैं। रात में ही आ गए यहाँ पे। अब बेटा गया था एयरपोर्ट, वहाँ से हम लोग को रिसीव किया, फिर लेके आया अपने फ्लैट में। बहुत सुंदर फ्लैट है, देख के तबीयत खुश हो गया। वाह भाई, वही कभी दिन सोचते हैं कि हमारे ही नहीं, किसी के भी बच्चे अगर पढ़ लिख ले मन से, तो आज बच्चे की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ पेरेंट्स लोग पहुँच जाते। वैसा ही हम अपने ऊपर सोचते कि आज बच्चे न पढ़ लिख के यहाँ आते तो हमारा क्या ज़रूरत था। देखिए, ऐसे छोटे बेटे के पास बंगलोर गए थे, यह बड़ा बेटा यहाँ आए हैं। वो आपको भी दिखा रहे हैं अभी क्या हो रहा है। कपड़ा मशीन में डाला हुआ है, कपड़ा धुलाई हो रही है, मशीन चल रहा है और हम लोग खाना खा लिए हैं। अभी थोड़ा आराम करेंगे। ये बाहर का भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किचन में खड़े हैं और बाहर का देखिए सब। ये अबू धाबी है, बहुत सुंदर सीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर लग रहा है ना, लगता है कि जैसे लगता है कि लोग बोलते हैं दुबई जैसे लगा जन्नत में आए हैं। इतना सुंदर एक एक चीज, देखिए हर जगह चीज़ तो पैसा लगाने पे मिलता है, लेकिन हर चीज़ों की क्वालिटी अलग अलग होती है। किचन इतना बढ़िया से बढ़िया तरीके से बना है कि देखिए तबीयत खुश हो जाता है। बहुत कुछ है, रूम साफ करने वाला सब मशीन है। हाथ से भी आप मॉप से भी पोछा लगाइए, और मशीन भी है सब। डस्टबिन का डब्बा इतना बढ़िया सब चीज़ है। पानी देखिए रखा है, जैसे लगा डिब्बा चमक रहा है। सब सब जगह अलग अलग सिस्टम है। यहाँ ऐसे है, यहाँ सिंक का नल दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऐसे करिए, देखिए इधर है इनका ओवन, इधर सब फ्रूट है, बहुत सामान है, इधर भी अंदर भी रखा है। ऐसे ऐसे सब बना है, हर जगह का अलग अलग है। ये है इनका किचन, बहुत अच्छा सिस्टम से सब चीज है। इतना सुंदर, इतनी सफाई है, फालतू तो जैसे। अब देखिए इतने लोग हैं बिल्डिंग में, आवाज नहीं आया किसी का कि कोई शोर कोई गुल कुछ भी नहीं ना। अच्छा लग रहा है इतने सिस्टम। अपने यहाँ तो कितना हल्ला गुल्ला शोर सत्रा होता है, तत्तेरी पत्तेरी कैसे कैसे लोग, लेकिन देखो क्या नियम है। लेकिन ये तो जानते हैं अबू धाबी हो चाहे दुबई हो, नियम कितना सख्त है यहाँ पे। अभी कुछ देर बाद मिलेंगे आपसे अपने वीडियो को लेकर, आगे चलते हैं। बेटा अभी आया है, नाश्ता किया और चला गया ऑफिस। उसके बेडरूम में बैठे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है सब। आप लोग को भी दिखता होगा यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लोग को ले गया था घुमाने, उसके बाद बोला मम्मी अभी सीओ साहब आए हैं, उनसे कुछ मीटिंग होगा, उसके बाद फिर आते हैं रात में, तो ले चलेंगे आप लोगों को। ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, यहाँ बैठ के अपना काम करते हैं। यहाँ एक हाथी भी रखे हैं, ये भी एक तो डस्टबिन है, अपना रखते हैं, फिर अपना आता है स्वीपर तो ले जाता है। इनका लगेज अपना रखे हैं, ये मिरर है,
कितना सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा है, सब सब अच्छे ढंग से बना है तो सब अच्छा लगेगा ही। अभी और कुछ दिखाएंगे आपको। इनका बाथरूम है, कितना सुंदर बना है। ये है बाथ टब, ऐसे अपना पर्दा खींच ले, अपना नहाइए, फिर अपना खोल लीजिए। बहुत सुंदर, बड़ा सफाई भी है। अभी लेके चलते हैं अपनी वीडियो को आगे। 5:30 बज रहा है यहाँ का, दुबई के हिसाब से, और हम लोग अभी नाश्ता बनाए हैं, पास्ता और चाय। सब लोग नाश्ता भी कर लिए, चाय भी पिए, और जो बर्तन था उसकी भी सफाई हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे सुबह का चाहे शाम, बहुत अच्छा लग रहा है। नाम ही है इसका कि दुबई, सचमुच दुबई है। माने इतने लोग हैं लेकिन एक आवाज़ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमारे किचन में से भी दिखाई दे रहा होगा आपको, और बेडरूम में से, और बालकनी में से भी। ये नहीं कि एक लोग गाड़ी ऐसे खड़ा किए, दूसरा लोग आके आगे बढ़ा के कर दे, नहीं, बराबर। जितने लोग अपना फोर व्हीलर रखे हैं, यहाँ का तरीका बहुत अच्छा है। और अनुशासन तो जानते हैं कितना स्ट्रिक्ट है यहाँ का। और अभी बेटा फल का ऑर्डर किया था, फल भी आ गया है। वीडियो को आगे लेके चलते हैं। भी आ गया है, यह इनका ओवन। आएंगे तो भी भुट्टा है उसको, ऑफिस से आ जाएंगे तो बोले हैं मम्मी भुट्टा है, उसको बॉयल कर दीजिएगा, नाश्ता करेंगे। वो अधिकतर फल पे ही डिपेंड। हम लोग पास्ता खाएं लेकिन वो उसको ये सब नहीं पसंद है, क्योंकि जिम करता है, ये सब फालतू का चीज़ नहीं। हम लोग को भी बनाटता है, मम्मी पास्ता तो मत खाए, क्योंकि मैदे का चीज़ है, नुकसान करता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बना, सब लोग खा लिए। अभी देखिए रात के भोजन में क्या क्या बनता है। बाहर जाएंगे, वैसे चना हम लोग भिगो दिए थे, उसके बाद देख चना भिगोए हैं। अगर बोलेगा बाहर जाने को तो बाहर ही खाना खाएंगे, नहीं तो सब्जी बनाएंगे, चने का मसालेदार लाजवाब सब्जी। यहाँ चेहरा, जैसे मेरा ही चेहरा हम देख रहे हैं ना, कितना शाइनिंग कर रहा है। फेसियल भी कराए थे पूरे बॉडी का, तो अब उसका असर दिखाई दे रहा है चेहरे पर। सचमुच चेहरे में ग्लो आ रहा है। फेसियल जहाँ कराते हैं बहुत अच्छे हैं वो, नहीं जाते हैं। पैसा तो लगता है भाई, पार्लर में आप जाए या पैसा ना लगे ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उनका अलग ही है। चलिए वीडियो में बने रहिए, कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे।